कुंदरकी नगर स्थित इमामुद्दीन तुर्की मेमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन में उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना स्मार्टफोन और टैबलेट वितरण योजना के अंतर्गत कला संकाय तृतीय वर्ष के छात्र छात्राओं को मोबाइल फोन और स्मार्टफोन वितरित किया गया। इस मौके पर कॉलेज के प्रशासक आरिफ पाशा एडवोकेट ने कहा कि सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना का लाभ स्नातक कर रहे छात्रों को मिल रहा है। मोबाइल का उपयोग अपनी आगे की शिक्षा ग्रहण करने में लगे और विभिन्न प्रकार की जानकारियां मोबाइल के माध्यम से प्राप्त करें, जिससे कि आप अपने भविष्य निर्माण करने के लिए ज्ञानवर्धक जानकारियाँ एकत्रित कर सकते हैं। उन्होंने छात्रों और छात्राओं से लक्ष्य निर्धारित शिक्षा हासिल करने का आह्वान किया। इस मौके पर कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर मोहम्मद उजैर ने कहा कि स्मार्टफोन और टैबलेट का उपयोग बेहद ही सावधानी पूर्वक करें, समय के महत्व को समझते हुए इसका सदुपयोग करें। जीवन में आगे बढ़ने के लिए परिश्रम करने की जरूरत है। मोबाइल से विभिन्न प्रकार की जानकारियां हासिल करते रहें। इस मौके पर अफरोज पाशा, इत्तेखाब आलम सभासद, हाजी नज़ीर अहमद, रिफाकत कमाल वारिसी, आसिफ हुसैन, अनिसुल हसन, जितेंद्र राठी, अनीता कश्यप, हुस्न आलम आदि मौजूद रहे। अपात्र होते हैं तो आपको नहीं मिलता, बहुत सारे बच्चों को नहीं मिला है, तो कहीं ना कहीं अपात्र है। लेकिन इतना जरूर है कि आपके कॉलेज में उसने कॉलेज के मुकाबले सर्वाधिक मोबाइल में सर्वाधिक है, वो हमारे प्राचार्य जी का और हमारे स्टाफ का प्रयास रहा है कि लगातार इन्होंने कोशिश की है कि हर बच्चे के हाथ में मोबाइल हो। जिसको नहीं मिलेगा वो निराश होकर कॉलेज से जाएगा, तो जरूर वो कहीं ना कहीं हमें बदवाएं देगा। तो इन्होंने बदवाओं से दूरी कोलनी करने की कोशिश की है। आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। घर जाए और जाते ही हो पा रहा है।